हेलो एवरीवन वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा आज के लेक्चर में हम टेन एम सी क्यू देखेंगे रिलेटेड टू साइंस उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सब दस आपसे डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं ऐसे ही मैथ्स एंड रीजनिंग का जो लेक्चर है वो आपका लगता है दैट इज एट ट्वेल्व पी एम जी एस क्लासेस फॉर ऑल दी पंजाब एग्जाम्स एट टू पी एम इंग्लिश एट फाइव पी एम डेली करंट अफेयर्स इशू स्पेसिफिकली फॉर पी सी एस दैट इज सिक्स पी एम

फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ रोबोट रोबोटिक इमेज गाइडेड सिस्टम सेकेंड है इट डिलीवर्स एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज थर्ड है इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग सब मिलीमीटर एक्यूरेसी और इज अ डी इट कैन मैप द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी ओके सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए

ठीक है जी सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन आप देख सकते हैं सो so ये नॉन ट्रीटमेंट है किसका कैंसरस कैंसरस एंड एंड नॉन का अदर वेयर रेडिएशन थेरेपी इज इंडिकेटेड जहां पर भी आपको रेडिएशन थेरेपी देनी होती है चाहे कैंसरस सेल्स हैं चाहे नॉन कैंसरस थेरेपी है जहां पर भी रेडिएशन देनी होती है प्रोसाइज रेडिएशन देनी होती है वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट इज साइबर नाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वाइड स्प्रेड वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस ऑफ मलेरियल पैरासाइट टू ड्रग्स लाइक क्लोरोक्वीन हैज प्रॉम्प्टेड अटेम्प्ट्स टू डेवलप अ मलेरियल वैक्सीन टू combat मलेरिया नाउ व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डेवलप एन इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन वो कहते हैं कि मलेरिया के जो इंसिडेंस है वो काफी देखने को मिल रहे हैं लेकिन इसकी वैक्सीन टफ है बनाने के लिए क्यों रीजन पूछा गया ठीक है so सो पहला है मलेरिया इज कॉज ऑफ प्लाज्मोडियम नेक्स्ट आता है मैन डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इंफेक्शन सी आता है वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड ओनली अगेंस्ट बैक्टीरिया और इज इज इट डी दैट मैन इज ओनली एन इंटरमीडिएट होस्ट एंड नॉट बी डेफिनेटिव होस्ट वीडियो so, को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए ओके सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी देखिए यहां पर ये डिफिकल्ट क्यों होती है एक इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए क्यों क्योंकि जो uh, इंसान है वो खुद इट डज नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू मलेरिया ड्यूरिंग नेचुरल इंफेक्शन जब आपको नेचुरल इंफेक्शन होती है मलेरिया की आप एंटीबॉडीज बना ही नहीं पाते सो so, यहां पर क्या है सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि अगर आप वैक्सीन दे भी देंगे तो वैक्सीन में एक्चुअली में क्या है आपने इंफेक्शन ही तो दी चाहे वीकेंड फॉर्म में चाहे किल्ड फॉर्म में लेकिन बॉडी क्या है बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाती है इट के नॉट डेवलप दैट इम्यूनिटी सो इसलिए जो इसकी वैक्सीन हैं, वो काफी ज्यादा बनानी मुश्किल हो जाती है

So, आपको बताना है करेक्ट करेक्ट बताना है नॉट करेक्ट नहीं करेक्ट बताना है सो so, पहला ऑप्शन uh, है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू और इज इट डी नीदर वन नॉट टू हां जी वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए ओके सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दोनों ही करेक्ट है देखिए जो हेपेटाइटिस बी है इट इज मोर इनफेक्शन दैट इज वाई हेपेटाइटिस बी को केटर करने के लिए बहुत सी वैक्सीन लगाई जाती हैं, राइट अब आपके लिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है इसको और टफ कैसे बनाया जा सकता है क्योंकि हेपेटाइटिस की काफी वराइटी आपको देखने को मिलती हैं देखिए जो है वो actually में किसको टारगेट करता है है क्योंकि में होती जिसको आप लिवर कैंसर बोलते हैं जिसकी वजह से इट इज वेरी फेटल और एट दी एंड डेथ ही होती है सो so, हेपेटाइटिस की बहुत सी वराइटी देखने को मिलती है A, B, C, D, e. so, अगर हम ए और और e की बात करते हैं वो जनरली आपको ओरल फेकल रूट से ट्रांसमिट होती हुई दिखेंगी लेकिन अगर हम bc d की बात करते हैं तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या फिर सेक्सुअली इट कैन बी ट्रांसमिटेड सो अगर हम a और e की बात करते हैं तो यहां पर आपको ओरल फेकल रूट से ये ट्रांसमिट होती हुई दिखेंगी ऐसे ही अगर हम देखिए वैक्सीन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इम्यूनाइजेशन दी जाती है ए और बी में ऐसे ही जो डी है जो हेपेटाइटिस डी है वो उन्हीं को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जो हेपेटाइटिस डी है वो उन्हीं को होता है हु आर इंफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट डी हेपेटाइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट

टू ओके सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी देखिए जो मेनजाइटिस है वो एक ट्रांस कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं दैट इज वॉमिटिंग एंड नेक पेन सो इसीलिए आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है ठीक है सो so अगर हम मेनंजाइटिस की बात करते हैं तो so आप देख सकते हैं इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं आपको फीवर होगा हेड होगा मसल एंड जॉइंट पेन होगा, होगा, भी हो सकते हैं राइट right? सो so, अगर हम रीजन देखते हैं देखिए मेनजाइटिस के ना बहुत से रीजन एग्जिस्ट करते हैं जनरली जब आप आ, बुक्स में पढ़ेंगे तो वहां पर जनरली बैक्टीरियल डिजीज लिखा होता है लेकिन इसके जो रीजन है वो काफी हो सकते हैं चाहे कोई वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई फंगल इंफेक्शन हो सो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो जनरली आपके सिम्टम्स पे निर्धारित होते हैं जैसे आपके सिम्टम्स होंगे वैसे ही आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है विदाउट so, ट्रीटमेंट अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे it, it can be very fatal, right? so, prevention क्या हो सकती है? Vaccination की जा सकती है है की जा ऐसे डाइट हेल्दी रख सकते हैं राइट वाइटमिन दे सकते हैं तक क्लैरिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव न्यूमोनोकोनियोस इफेक्ट दर्कर्स वर्क मेनली इन ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है इसीलिए इसको कवर किया गया है फर्स्ट है दैलरीज सेकेंड कोल माइनिंग इंडस्ट्री थर्ड है दैट इज डिस्टिलरीज और इज ग्लास इंडस्ट्री ये क्वेश्चन सबका करेक्ट होना चाहिए ओके सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए ओके सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कोल माइनिंग इंडस्ट्री ये जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलता है कौन मा, कोर माइनिंग इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है अब ये इन्फेक्ट कहाँ करता है देखिए इन्फेक्ट करता है लंग्स को सो so, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कोल वर्कर्स होते हैं उनको न्यूमोनो कोनियोसिस होता है जिसकी वजह से आपको एल्व्योलाइज में इंफ्लेमेशन देखने को मिलेगी इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी उसकी वजह से क्या है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ये जो कोल माइनिंग वर्कर्स होते हैं उनमें ये जनरली देखने को मिलता है क्यों डेपोजिशन ऑफ कोल हो जाता है सिंपल एज दैट ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है ध्यान से पढ़िएगा असर्शन और रीजन है असर्शन दिया गया है द पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस फील्स थर्स्टी रीजन है अ पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस सफर्स फ्रॉम एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसन अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायबिटीज इंसिपिडस का है आपको असर्शन दिया गया है रीजन दिया गया है आपने बताना है कौन सी करेक्ट है देखिए पहला स्टेटमेंट है बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेकंड है बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू बट जो रीजन है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड लास्ट वन है ए इज फॉल्स बट आर इज

डायबिटीज से नहीं इंक्लूड करता देखिए डायबिटीज जनरली क्या होती है जब आपके इंसुलिन पैंक्रियाट नहीं कर रहे और आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है उसको बोलते हैं हम डायबिटीज लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो एक्चुअली में आपके डायबिटीज से कोई भी वाकिफ नहीं रखता है जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता है सो हॉर्मोनल इम्बेलेंस की वजह से होता क्या है यहाँ पर जो अगर आप वाटर लॉस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है थ्रू uh, यूरिन ऐसे ही जो आपकी किडनीज़ हैं वो एक्चुअली में दे डोंट अब्जॉर्ब इनफ वॉटर सो इसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी से काफी ज्यादा

एंड विच इज स्टोर पिटेट्री सो जो पोस्टीरियर पिटिट्री है आपका देखियो ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है ये स्टोर कहाँ होता है पिटेट्री ग्लैंड में लेकिन कहाँ है इट इज मेड इन दाइपो ठीक है so, जी आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है सो दिस इज डायबिटीज इंसिपिटिस ठीक है जी तो आप देख सकते हैं दिस इज इंथपडिस एक्चुअली में आपका जो पिटिटरी ग्लैंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कराता तो हॉर्मोन से होता है ठीक है सो अगर हम नॉर्मल इंसान की बात करते हैं हॉर्मोन टू किडनीज टू हेल्प कंट्रोल हाउ मच यूरिन लेकिन अगर हम यहाँ पर सेंट्रल डायबिटीज इंथेपिटिस की बात करते हैं तो जो पिटिटरी ग्लैंड है वो प्रॉपरली एडीएच नहीं बना पाता जिसकी वजह से किडनीज मेक अ लॉट ऑफ यूरिन क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब वॉटर नहीं कर पाता और आपकी बॉडी से वॉटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है ठीक so है जी सो दिस इज डायबिटीज इंसिपिडस आई होप यहां तक क्लैरिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन आता है क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है नंबर वन स्टेटमेंट है डेंगू इज द प्रोटोजोन डिजीज ट्रांसमिटेड बाई मस्कीटोज सेकेंड है रेट्रो ऑर्बिटल पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू थर्ड है स्किन राश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम दोस एंड दी गम्स आर सम ऑफ दी सिम्टम्स ऑफ डेंगू सो डेंगू के बारे में पूछा गया है सिम्टम्स पूछे गए हैं सो so आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है वन एंड टू थ्री ओनली टू ओनली और इज इट डी वन एंड थ्री ओनली सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए ओके सो आंसर पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज थ्री ओनली जहां पर सिर्फ यही करेक्ट है देखिए जो डेंगू है वो क्या प्रोटोजोवन डिजीज है नहीं क्या डिजीज है इट इज अ वायरल डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटोज अब मस्कीटोज में से भी कौन सी दैट इज एडीज इज मस्किटो राइट सो अगर हम रेट्रो ऑर्बिटल उन्होंने बोला इट इज नॉट अ अम देखिए इट इज अ अम रेट्रो ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि आपको आंखों में सिर में पेन होता है तो सिम्टम है ये डेंगू का ना कि नहीं है तो नॉट इसलिए लिखा गया इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है अब आपको स्किन रैश हो सकता है क्यों क्योंकि आपको हाई फीवर होता है इन डेंगू जिसकी वजह से आपकी बॉडीज पे रैशेस हो जाते हैं सो दिस बिकम्स करेक्ट स्टेटमेंट सो ओनली थ्री इज करेक्ट सो आप देख सकते हैं डेंगू के सिम्टम्स आई पेन जिसको आप रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं तो ये एक सिम्टम है किसका डेंगू का ठीक है फीवर मसल बोन पेन अगेन आपको जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं ठीक है जी न सी दिस सो डेंगू क्या है एक वायरल डिजीज है ट्रांसमिट किससे होता है एडीज इजिप्टाइट से ट्रांसमिट होता है डन ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर एट वच ऑफ दिजीजेस ऑफ मल्चिंग एनिमल्स आर इनफेक्शियस देखिए न्यूज में काफी ज्यादा है आप देख रहे होंगे एफ एम डी डिजीज अगर आपने रिसेंटली न्यूज पेपर पढ़े हों तो आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूल्स चंडीगढ़ में बंद कर दिए गए हैं वो क्यों बंद किए गए हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इनफेक्शस डिजीज दैट इज दी डिजीज सो जो मल्चिंग एनिमल्स हैं उनके लिए कौन कौन से डिजीजेस हैं वो आपको रिकग्नाइज करने हैं फर्स्ट आता है डिजीज सेकेंड इज एंथ्रैक्स थर्ड इज ब्लैक वाटर और इज दाउप तो so, आपको बताना है मल्चिंग एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती हैं और जो कि इन्फेक्शियस हैं सो so, ए आता है वन टू थ्री बी टू थ्री फोर सी वन एंड फोर और एज ए डी वन टू थ्री फोर सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए ओके सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चारों ही जो डिजीजेस हैं वो एक्चुअली में क्या है? दीज आर दी मल्चिंग एनिमल डिजीजेस विच आर इन्फेक्शियस

सेकेंड है स्वेटिंग एट नाइट थर्ड है लॉस ऑफ मैम मेमरी और इज इट फोर्थ लॉस ऑफ वेट सो आपको बताना है वच आर दी सिम्टम्स ऑफ एड्स एड्स के सिम्टम्स क्या होंगे राइट सो आपके पास ऑप्शन है वन एंड टू सेकेंड है टू थ्री फोर थर्ड है वन थ्री फोर और इज इट डी वन टू थ्री एंड फोर

ियम बी फीटोजोलर क्वेश्चन डिजीज किसकी वजह से होता है दैट इज फ्रॉम दायरल डिजीज सो आप देख सकते हैं जो फुट एंड माउंट डिजीज है जनरली ये इन्फेक्ट करता है काफी ज्यादा अगर हम इसकी uh, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं जो कि एक्चुअली में फुट एंड माउथ डिजीज के लिए ही है तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें एफ एम डी डिजीज से और से हमें कब तक छुटकारा चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक अगर हम फुट एंड माउथ डिजीज की बात करते हैं सो तो ये एक इन्फेक्शस डिजीज है जो कि वायरल डिजीज है जो भी डोमेस्टिक और वाइल्ड बोवाइन होते हैं इट अफेक्ट्स दी Cloven animals, जो cloven animals होते हैं, जिनके एक्चुअली में जो फुट होते हैं वो आगे से कट लगा होता है वो उन एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है जैसे का आपको देखने को मिलता है फुट एंड माउथ डिजीज सो सिम्टम्स क्या है हाई फीवर रहता है राइट सो यहाँ पर आपको ये जो वायरस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज विच इज पिकोरोना वायरस द प्रोटोटाइपिक मेम्बर ऑफ जीनस एपथो वायरस इतना याद रखने की जरूरत नहीं है सिंपली आप याद रखिए जो फुट एंड माउथ डिजीज है वो किसकी वजह से होती है इट इज कॉज बाय अ वायरल इंफेक्शन ठीक है जी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी टेन क्वेश्चन आप कुछ हमारे फ्री इनिशियेटिव और पेड दे, इनिशियेटिव देख सकते हैं सो दिस इज इट थैंक यू